हेलो स्टूडेंट, कल हमने इफ आई वर एन एप्पल चैप्टर रीड किया था और हमने साथ में इसकी कुछ स्पेलिंग्स करी थी। आज हम करेंगे इसकी एक्सरसाइज। हमारी फर्स्ट एक्सरसाइज है कंप्लीट दी गिवन लाइंस। बच्चों, यहाँ कुछ वर्ड्स दिए गए हैं और हमें पोइम में से उन वर्ड्स को कंप्लीट करना है। तो देखिए, इफ आई वर तो आगे है बच्चों एन एप्पल, यदि मैं एक एप्पल होता। सेकेंड है एंड ग्रू अपॉन ए ट्री। आगे देखिए, आई थिंक आई डिड फेल डाउन, मुझे लगता है मैं गिर जाता। आगे फोर्थ ऑन ए नाइस बॉय लाइक मी। तो बच्चों, ये था अपना एक्सरसाइज फर्स्ट। अब हम करेंगे एक्सरसाइज बी। अब एक्सरसाइज बी में देखिए बच्चों, मेक सेंटेंस विद दी गिविन वर्ड्स। हमें कुछ वर्ड्स दिए गए हैं और उन वर्ड्स को हम यूज़ करते हुए सेंटेंस बनाने हैं। तो बच्चों, हमारा फर्स्ट वर्ड है एप्पल, तो एप्पल को यूज़ करते हुए हमें एक सेंटेंस बनाना है। तो देखिए बच्चों, आई लाइक एन एप्पल। सेकंड अपना नाइस, नाइस वर्ड को यूज़ करते हुए हमें सेंटेंस बनाना है। तो हमारा सेंटेंस बना, अर्पित इज़ ए नाइस बॉय। थर्ड है जॉय, जॉय वर्ड को यूज़ करते हुए हमें सेंटेंस बनाना है। ही क्लैप्ड हिज हैंड फॉर जॉय। फोर्थ अपना एट वंस, एट वंस का मीन होता है बच्चों अचानक। एट वंस ए लाइट फ्लैश। तो ये था आज का आपका वर्क। तो आज हमें नोटबुक में वर्क करना है। पहले हमें एक्सरसाइज ए एज इट इज़ ऐसी कैसी करनी है। बच्चों, आपको पहले लिखना है कंप्लीट द गिवन लाइंस, उसके बाद में आपको लिखना इफ़ आई वर एन एप्पल। इफ़ आई वर, आपको एन एप्पल के नीचे बच्चों ऐसे लाइन ड्रॉ करनी है ताकि आपको पता चले कि हमने ये वर्ड्स ऐड किए थे। सेकंड एंड ग्रू अपॉन, फिर वापस से आपको एट्री के ऊपर नीचे लाइन ड्रॉ करनी है। फोर्थ में फेल डाउन, बच्चों ऐसे आपको लाइन ड्रॉ करनी है ताकि आपको पता चल सके कि हमारा सेंटेंस हमने बनाए थे। बच्चों, हमारा बी मेक सेंटेंस विद दी गिविन वर्ड्स। बच्चों, आपको पहले क्वेश्चन लिखना है मेक सेंटेंस विद दी गिवन वर्ड्स, फिर आपको लिखना एप्पल। एप्पल के सामने आपको एरो बना के सेंटेंस का कंप्लीशन करना है, जैसे आई लाइक एन एप्पल। सेकंड था अपना नाइस, एरो लगा के वापस से बच्चों एरो बना के करना है, अर्पित इज़ ए नाइस बॉय। थर्ड था अपना जॉय, वापस से आपको ठीक वैसे ही एरो बनानी है और लिखना है ही क्लैप्ड हिज हैंड फॉर जॉय। फोर्थ अपना एट वंस, एट वंस के सामने आपको एरो बनानी है और लिखना है एट वंस ए लाइट फ्लैश। तो बच्चों, ये आपका आज का होमवर्क है। आपको एज इट इज़ ऐसा होमवर्क नोटबुक में करना है। आप अपना होमवर्क करने के लिए अपने पेरेंट्स की हेल्प ले सकते हो। सो स्टूडेंट, हैव ए नाइस डे।